देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति इस देश के अंदर कैसी है और वैक्सीन्स कब और कैसे आने वाली है इसके बारे में ऑल पार्टी लीडर्स की एक मीटिंग कॉल की थी और AIIMM पार्टी की तरफ से मैंने उसका प्रतिनिधित्व किया। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और उसमें पहले ये प्रेजेंटेशन दिया गया है कि अभी के हालात कैसे हैं कोरोना के दूसरे देशों के मुकाबले के अंदर, और उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाई है, वाह वाह ही कही है कि मतलब हमने किस तरह से हैंडल किया है, जबकि जमीनी हकीकत हमको भी मालूम है। एक वैक्सीन के बारे में ये बताया गया है कि जो वैक्सीन दुनिया भर में बनाई जा रही है और इंडिया के अंदर हमारे देश के अंदर तकरीबन 8 कंपनीज है जो ये वैक्सीन तैयार कर रही है, उनका ये कहना था कि विदेशों के अंदर जब ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो उसकी कीमत तकरीबन एक आदमी को देने के लिए डबल डोज जो देना पड़ेगा उसकी कीमत तकरीबन $20 से लेकर $70 तक रहेगी, जबकि इंडिया के अंदर जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसकी कीमत बहुत कम रहेगी। और उनका कहना था कि ये वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है। हमारा ये कहना था कि आज भी जो सिचुएशन यहाँ पर तैयार कोरोना के ताल्लुक से है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो वहां पर जितने भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता आए थे वो उनको हकीकत से आगाह करना चाह रहे थे कि आप हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो GST का करोड़ों रुपए का पैसा आपके पास केंद्र सरकार के अंदर अटका हुआ है, सिर्फ आप राजनीति की वजह से महाराष्ट्र को वो पैसा नहीं दे रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की जनता कोरोना से है तो मर जाए करके। हमने बार बार ये मांग की थी कि जो GST के करोड़ों रुपए आपके पास फंसे हुए हैं वो लाइए और यहाँ पर हमको महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा अधिकार है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था करके। तो वो मीटिंग उसी के बारे में थी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।